दोस्तों, टीम इंडिया में एक ऐसा धुरंधर गेंदबाज शामिल हुआ है जिसके नाम का डंका पूरी दुनिया में गूंज रहा है। ये बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से पसीने छुड़ा देता है। सिराज ने इंडिया की टीम में ऑस्ट्रेलिया दौरे से धमाकेदार एंट्री की थी, तब से ही ये टीम इंडिया के लिए एक अहम खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और जीत दिलाई थी, जहाँ ऐतिहासिक गाबा मैच में उन्होंने 5 विकेट लेकर चमत्कार ही कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंचने के कुछ दिन बाद ही उनके पिता की मौत हो गई, जिसके कारण वो अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल ना हो सके, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए उन्होंने अपने देश के लिए खेलकर जीत भी दिलाई। सिराज बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिता रिक्शा चलाते थे, जो अपनी मेहनत लगन से अब पूरे हैदराबाद की पहचान बन गए हैं। एक आम इंसान से लेकर इंडियन टीम के प्लेयर बनने तक उनके लिए ये सफर बहुत मुश्किल भरा रहा था, लेकिन आज की डेट में दुनिया के बढ़िया बढ़िया बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी से खौफ खाते हैं। सिराज विराट को अपना गुरु मानते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने और हिस्ट्री बनाने की फिराक में रहते हैं और आने वाले टाइम में इंडिया के लिए बेहतर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में सिराज की पर्सनल लाइफ से लेकर एक खबर सामने आ रही है। ओवैसी ने सिराज से अपनी बेटी की शादी करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। टीम इंडिया को हमेशा से ही एक बेहतरीन गेंदबाज की तलाश थी, जिसकी कमी सिराज ने फर्स्ट क्लास मैच खेलकर भारत में शामिल होकर की। उनकी गेंदबाजी से अब सब डरते हैं। सिराज टीम इंडिया का भविष्य बन सकते हैं, इसकी घोषणा महेंद्र सिंह धोनी ने पहले ही की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इनकी शादी को लेकर एक अफवाह उड़ रही है, जो कि सच है। जी हाँ, ओवैसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए सिराज को रिश्ता भेजा है। उनका कहना है कि मेरी 5 बेटियां हैं, मैं चाहता हूँ अपनी एक बेटी का रिश्ता सिराज से करवाऊँ। सिराज पूरे हैदराबाद का बेटा है और उन्होंने फख्र से पूरे राज्य का नाम ऊंचा किया है। मुझे उन पर गर्व है। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि क्या सिराज इस रिश्ते को अपनाते हैं या ठुकराते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अगर आप भी सिराज को महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।